क्या आपने कभी सोचा है कि कार की कूलिंग के लिए, एक्वेरियम्स के लिए, लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जहां हम डिस्टिल्ड वाटर को यूज करते हैं, वहां हम नॉर्मल टैप वाटर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। जहां नॉर्मल टैप वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, हैवी मेटल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, क्लोरीन और बहुत सारी डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जिसको बनाया जाता है, पहले टैप वाटर को लेके उसको वेपराइज किया जाता है, फिर उसके वेपर्स को वापस से कूल करके, कंडेंस करके फिर से वाटर बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सारे के सारे जो भी हैवी इम्प्योरिटीज है वो नीचे ही रह जाती है और हमें मिलता है एक्स्ट्रा प्योर प्योरीफाइड वाटर, और इसीलिए हमें डिस्टिल्ड वाटर ही यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल टैप वाटर यूज नहीं कर सकते।